सो हाई गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइज, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि मेरे कॉकटेल के वन डे ओल्ड यानी कि एक दिन के बच्चे निकल के मर गए। ये हुआ किस तरह से था कि दो पेयर ने ब्रीड किया हुआ था और एग ले करके बैठा हुआ था, दोनों में सेम डे पे एक एक बच्चा निकला दोनों पेयर में से। नेक्स्ट डे देखा तो वो मरा हुआ था। अब ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब इसमें नया क्या है। देखिए, मैं ना परेशान हो गया बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि मैं बीच में गौर नहीं कर रहा था, फिक्र नहीं कर रहा था, मुझे लगा शायद इस वजह से मरे। फिर मैंने देखा कि मैं किस वजह से मरे हैं, सॉफ्ट फूड भी सही दे रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। पानी चेक किया तो पानी भी उसी तरह चेंज हो रहा है जिस तरह पहले हो रहा था, बट हो सकता है मुझे लगा गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी की वजह से स्मेल हो रही हो पानी में, जिसकी वजह से इन्होंने पिया ना हो पेरेंट्स ने, तो पिया नहीं था तो सही से फीड भी नहीं करवाई, इसीलिए मर गए होंगे। खैर, मैं परेशान रहा बहुत, मेरा मूड ना ऑफ हो गया। मैंने अपने फादर से भी डिस्कस किया क्योंकि मैं बिज़ी था, तो वो पानी वगैरह जो है वो डाल देते थे, पानी वगैरह वो डाल देते हैं अक्सर ना, मैं बिज़ी होता हूँ, काम वाम दूसरे देख रहा होता हूँ, तो वो कभी पानी वानी सब कर लेते हैं, उनको भी शौक है। और समझ लें कि मुझे जो भी प्रॉफिट होता है मैं अपने वालिद साहब को देता हूँ, अपने फादर को देता हूँ। तो मैं ना बड़ा परेशान सा हो गया। मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई, ऐसा हो सकता है कि आपसे स्किप हो गया हो एक दिन, पानी आपने चेंज नहीं किया हो। तो ऐसा होता नहीं है वैसे, वो हमेशा रोज़ डेली बेसिस पे पानी चेंज करते हैं और बर्तन भी धोते हैं रगड़ रगड़ के। तो काफ़ी हम लोग बैठ के सोचते रहे कि ऐसा क्या हो गया। मेरे फादर ने मुझे बोला शायद गर्मी ज़्यादा है, या हो सकता है तुमने सॉफ्ट फूड वगैरह पर उस तरह से फोकस ना किया हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। खैर, मैंने वीडियो बना दी उस पर यही बोल के कि गर्मी की वजह से है, ऐसे है वैसे है। अच्छा, कुछ टाइम बाद ना मेरे फादर ने क्या किया, वॉशरूम गए और ब्रश किया। ब्रश करने के बाद जब कुल्ली करते हैं ना, तो उनको पानी ना बहुत ज़्यादा नमकीन लगा। तो मेरे फादर ने बोला, यार पानी जो है ना बहुत ज़्यादा नमकीन है कि कुल्ली तक नहीं की जा रही, इतना खारा पानी आ रहा है हमारी बिल्डिंग में। उसकी वजह ये है, गर्मियों में पानी शॉर्ट हो जाता है, गर्मियों में लाइन में पानी बहुत कम आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे फ्लैट वाले, इन्होंने बोरिंग करवाई हुई है, वहाँ से खारा पानी जो है मिक्स करके देते हैं या क्या करते हैं अल्लाह जाने, पूरा का पूरा खारा पानी आ गया। पीने के लिए हम लोग पानी जो है वो परचेज़ करते हैं, जो छोटे डिस्पेंसर के ऊपर डालने के लिए जो ड्रम्स होते हैं, कैंस जो होते हैं ना, वो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको मिनरल वाटर कहा जाता है यहाँ कराची में, तो वो हम ख़रीद के पीते हैं। अब आप सोचें कि किसी मुल्क में अगर आप पानी ख़रीद के पी रहे हैं, तो आप सोच लें कि वहाँ पर आपकी क्या रिस्पेक्ट है और आप आगे जाके आपका कंट्री क्या हो जाएगा उसको, ये आपको पता लग जाना चाहिए। तो हम पानी ख़रीद के पीते हैं और बाकी जो इस्तेमाल करने वाला है वो समझ लें कि ऐसा है कि खारा आ रहा है अभी गर्मियों में। तो मेरे फादर को ना अचानक एक जहन में बात आई, मेरे अब्बू ने बोला, यार ये जो है ना मुझे लग रहा है कि शायद पानी इतना खारा है कि परिंदे इसको पी नहीं रहे हैं सही से, या तो मुँह लगा के छोड़ रहे हैं, उस तरह से नहीं पी रहे। फिर दूसरा, ये गर्मी भी है, ज़रा सा भी गंदा हो जाए तो ऊपर से खारा भी हो फिर गंदा हो जाए तो परिंदा किस तरह पिएगा, आप खुद सोचें। तो मेरे फादर ने कहा, यार तू मेरे से शर्त लगवा ले, यही मसला है, पानी का इशू आ रहा है या पानी कम पी रहे हैं नमकीन होने की वजह से। तो मैं भी मुझे भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी हो तो बर्ड नहीं पी सकता वो, और पी भी ले तो सर्वाइव नहीं कर सकता, अव्वल तो पीते ही नहीं है। बर्ड्स जो होते हैं इनमें अल्लाह ने एक हिस रखी है, ये पानी के करीब जब चाटते हैं ना पानी को पीने से पहले, जब मुँह करीब लाते हैं तो अगर इनको नमकीन लगता है तो ये मुँह झटक के ना छोड़ देते हैं, ज़्यादा पीते नहीं हैं, पेट भर के नहीं पीते ये, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही होगी। बहरहाल, हमने क्या किया, मैंने कि जो नॉर्मल मीठे पानी के केन होते हैं ना, अब डिस्पेंसर का जो केन है ना, जो मिनरल वाटर है, वो तो बेसिकली केमिकल्ड वाटर, केमिकल वाटर होता है ना, उसको तो केमिकल डाल के उसके मिनरल्स जो हैं वो मिनरल्स डाल के उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो हमने सोचा कि यार हम इसको ये नहीं देते डिस्पेंसर वाला, एक तो महंगा भी बहुत है, दूसरा ये कि कोई फ़ायदेमंद भी नहीं है इतना ज़्यादा परिंदों के लिए। तो हमने क्या किया, जो मीठा पानी होता है ना, मीठे पानी के जो केन होते हैं आपको 20-30 रुपए का मिल जाते हैं, 30 रुपए का केन मिल जाता है पूरा, तो हमने क्या किया वो मंगवा लिया। अब रात को जो है पानी सबके चेंज किए मेरे फादर ने, उसी से डाले, और अब मैं सुबह देख रहा हूँ कि पानी पी रहे हैं, मतलब खुल के पी रहे हैं बर्ड्स। अब वो अलग बात है कि बच्चों को पिलाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट रात को आवाज़ें आ रही थी चक 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 करके ना, बच्चे जो और हैच हुए हैं ना उनको खिलाने की आवाज़ आ रही थी। एक एक बच्चा मेरे ख्याल से एक और हैच हुआ है शायद, जो मुझे मेरा जो अंदाज़ा है उसके मुताबिक। तो बहरहाल, अब इसको देखते हैं कि इस पर मैं ऑब्ज़र्वेशन करूँगा अपने पास कि मेरे पास पेयर जो है वो सही से पी रहे हैं, या अपने बच्चों को सही से पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे।
कभी कभार जो है वो आप लोग भी नज़र रखा करें कि आपके बर्ड्स जो हैं, गर्मी है ना खास करके, सॉफ्ट फूड तो आप डालते होंगे, सब कुछ डाल रहे होंगे, दाना भी डाल रहे होंगे, बट पानी पे नज़र रखा करें, पानी का क्या हो रहा है अभी इस टाइम पे। बच्चे जिसके पास भी ब्रीड आ रही है ना, देखो अभी पिछले 4-5 दिनों से ना मौसम थोड़ा बेहतर है, इतनी गर्मी है नहीं, मतलब कि हब्स नहीं है उस तरह का। आगे जाके हो सकता है कुछ दिनों में, क्योंकि गर्मियों में चलता रहता है, 5 दिन हब्स होता है, 5 दिन हवा चलती है, 5 दिन ठीक रहता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है बारिशें शुरू हो जाएंगी, अभी जून शुरू हो गया, अगस्त में बारिशें बहुत तेज़ी से बारिशें वगैरह शुरू हो जाएंगी, और अभी भी बारिश हो रही होगी कुछ इलाकों में, होंगी इसी हफ्ते, हो सकता है कराची में भी हो जाए। तो जब बारिशें हो जाती हैं ना अच्छी खासी, उसके बाद मौसम थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। तो ब्रीड तो आपके पास आ रही होगी बहुत सारे लोगों के पास, जैसे मेरे पास भी ब्रीड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचाना भाई आपका काम है, पानी पर नज़र रखें। पानी का जो बर्तन है ना इतना डेंजरस है इस वक्त, इस टाइम पर, इन दिनों में, कि भाई 4 घंटे अगर पानी के प्याले पे धूप पड़ रही है, या अगर धूप नहीं पड़ रही है, आपका इंडोर है और गर्मी पड़ रही है, या हब्स हो रहा है कमरे के अंदर, तो भाई पानी जो है ना 3 घंटे बाद पानी को सूंघ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। पानी में से बदबू आती है और पीते नहीं है कॉकटेल, फिर जब स्मेल आएगी जाहिर है परिंदा कैसे पिएगा उसको, ठीक है। जंगलों में जो वाइल्ड कॉकटेल्स होते हैं ना, वो भी मिट्टी पे गिरा हुआ पानी पी लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में खासियत होती है कि वो जब भी मिट्टी के ऊपर ये पानी होता है ना, वो गंदा नहीं होता, मट्टी नीचे होती है पानी ऊपर होता है, लेकिन जिस पानी में से स्मेल आ जाए ना, प्लास्टिक के बर्तन में खास करके, प्लास्टिक की ना एक बड़ी गंदी आदत है कि ये स्मेल मारता है, अगर इस पर पानी ज़्यादा टाइम पड़ा रहे ना, चिकना हो जाता है प्लास्टिक, स्मेल करता है, स्मेल पैदा करता है, इसके अंदर कुछ ऐसी समझ लें कि कुछ इस तरह की जो है ना खसूसियात कह लें या अजीब सी बात कह लें, ये इसमें पाई जाती है प्लास्टिक। आप जहाँ भी जब भी पानी के साथ टच करेंगे तो ये स्मेल आएगी इसके अंदर, पानी वाला मामला इसका थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, मैं अभी रिसेंटली सोच रहा हूँ कि यार मैं अपने लिए जो है ना फीडर्स वगैरह मंगवा लूँ, जो पानी के फीडर्स होते हैं ना कॉकटेल के, वो फीडर्स क्या होते हैं बेसिकली, वो सिलेंड्रिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो सिलेंड्रिकल नहीं जो आपने फिंचों के लिए देखे होंगे, इतने नहीं, थोड़े से चकोर होते हैं और लंबे अलमारी की तरह से होते हैं, जिस तरह अलमारी होती है ना, अब अलमारी के साइज़ के तो नहीं होंगे ना, पिंजरे के अंदर ही आते हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। खैर, एक मोटी सी जो बुक होती है ना डिक्शनरी, उस तरह का होता है लंबे साइज़ का। अब उसमें होता ये है कि प्रोटेक्टेड होता है चारों तरफ से, मतलब परिंदे ने पानी पीना है तो मुंह डाल के अंदर पिएगा, उसके बाद मुंह निकाल लेगा, और जगह इतनी होती है जितना उसका मुंह जाता है, और जहाँ से पानी ख़त्म होता जाता है ना ऊपर से नीचे आता रहता है तब तक जब तक के पूरा ख़त्म ना हो जाए। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि बाहर का कचरा नहीं गिरता पानी के ऊपर, मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरती, जिसकी वजह से आपके पास स्मेल भी इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि आपका पानी भी अच्छा चल जाता है, स्मेल भी नहीं आती, आपका काम भी हो जाता है, आपके बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते, यानी कि उनको बच्चों को, जाहिर है बर्ड जब पानी नहीं पिएगा ठीक से तो वो बच्चों को दाने से फीड करवा देगा और बच्चे मर जाएंगे। बच्चों को तो इस गर्मी में नमी चाहिए ना, मतलब नमी उनके लिए ज़रूरी है कि वो दाना उनको फीड में करवाया जा रहा है, साथ ही साथ पानी होना चाहिए उस दाने के अंदर। और आप सोचते हैं हम सॉफ्ट फूड खिला रहे हैं तो फिर क्यों नहीं ये बच रहा बच्चा, सॉफ्ट फूड तो डाल रहे हैं ना, उसमें तो पानी होता ही होता है, लेकिन नहीं भाई, गर्मियों में एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत होती है बर्ड को, खास करके बच्चे को। बच्चा पूरा दिन बॉक्स में होता है यार, छोटा बच्चा है, तो सोचो उसको कितना हब्स में पसीना आ रहा होगा, कितना पसीने से मुराद ये कि उसका पानी रिलीज़ हो जाता है बॉडी में से जल्दी। अच्छा, गर्मियों में कॉकटेल को आप देखिएगा, जो ड्रॉपिंग्स करते हैं ना वो भी गीली गीली करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बॉडी में से निकल रहा होता है, पानी बहुत ज़्यादा जल्दी इनका बह रहा होता है जिस्म से। अब परिंदों को पसीना तो आता नहीं है, ठीक है, तो इनका पानी जो है वो ड्रॉपिंग्स में ही निकल जाता है गर्मियों के अंदर, हमारा पसीने में निकल जाता है, इनका ड्रॉपिंग्स में निकल जाता है। तो जब पानी इतनी तेज़ी से रिलीज़ हो रहा हो और आप फीड जो है वो खाली सख्त फीड अगर बच्चों को खिला दें पेरेंट्स, तो भाई ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों को संभालना वो आपके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे साथ तो एक छोटा सा केस हुआ है, ठीक है, मुझे चीज़ों की नो हाउ है, पता है, बट कोई नया बंदा होगा उसको वो सोचता ही रह जाएगा ये हुआ कैसे, उसको नहीं पता क्या है। लोग अक्सर मैसेज कर देते हैं बच्चे क्यों मर रहे हैं मेरे पास, तो भाई इसको देखना पड़ता है। ये लवबर्ड में और कॉकटेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लवबर्ड कीचड़ खा के भी बच्चे शायद पाल ले, मैंने तो ढीठ देखे हैं, फिशर वगैरह मैंने देखे हैं, जो ग्रीन फिशर है ना वाइल्ड, या लोटिनो नॉर्मल जो आते हैं कॉमन, 5,000 वाला लोटिनो का जो पेयर आता है, ये ढीठ हड्डी के होते हैं, ये पानी गंदा है मंदा है कुछ भी, ये पिया जाके फीड करवा दिया। कॉकटेल बहुत हाइजीन वाला बर्ड है, हाइजीनिक बर्ड है बहुत ज़्यादा ना, इसका हाइजीन लेवल बहुत हाई है। इसका मकसद ये, परिंदा कोई भी हो भाई, फिंची हो लव बर्ड हो, पानी तो साफ ही पिलाना चाहिए, इतना तो इंसान में इंसानियत होनी चाहिए ना। आपने बर्ड रखा हुआ है ब्रीडिंग करवाने के लिए, पानी साफ़ पिलाओगे उसको, भाई चिकनाई जम जाती है बर्तन के ऊपर,
खाली पानी फेंक के पानी बदल के लगा नहीं दिया करो। पानी जब फेंकते हो तो पूरा कपड़ा लो, एक कपड़ा लो पुराना, उससे अंदर की चिकनाई साफ़ करो ताकि वो स्मेल ना मारे। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।